बीजेपी के नेता लोग नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे। आप देखे ना, पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे, जो लोग पहले नवीन पटनायक की बहुत तारीफ करते थे वही लोग आज नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे हैं। यह अपमान है ओडिशा का, यह अपमान है लोगों का। इसका जिम्मेदार कौन है? नवीन पटनायक और मोदी जी है। क्या आपको यहां बुलाकर ओडिशा का अपमान करने के लिए बुलाए? मैं यह कहूंगा, अभी मोदी जी कहीं भाषण कर रहे होंगे, चल रहा है, क्या बोल रहे भाई, चल रहा है, देखो चलने दो। उनकी गाड़ी चार तारीख तक चलेगी, चार तारीख को पेट्रोल बंद होगा, तब उनकी गाड़ी भी बंद होगी। और इस बार वो अधिकार में आने वाले नहीं है, इसीलिए गड़बड़ कर रहे, बहुत कुछ कुछ बोल रहे हैं। सब बात कांग्रेस को गालियां देते हैं, राहुल गांधी को गालियां देते हैं, हमको गालियां देते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ओडिशा को चाहने वाले लोग, एक तरफ मोदी जी जैसे लोग ओडिशा को बदनाम करने वाले, द्वेष करने वाले, मदद नहीं करने वाले लोग एक तरफ है। इसलिए आपको होशियार रहना चाहिए, होशियार रह के एक तारीख जो इलेक्शन होगी, घर घर से आदमी उठकर अपना वोट डालने के लिए तैयार होना चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है, अगर हम ओडिशा में 50% जीतेंगे तो देश में हम हुकूमत जरूर करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब तो हम बीजेपी से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं, और लोग पूछते हैं हमको कि फिर आप लोग बीजेपी को हरा पाएंगे? हराएंगे। देखो, बीजेपी को अगर नहीं हराएंगे, इस संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में होगा। अगर संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है, तुम्हारा भविष्य खतरे में है, इसीलिए उनको हटाना जरूरी है। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, ये जरूरी है संविधान बचाने के लिए, ये जरूरी है लोकतंत्र बचाने के लिए। और एक तरफ देश में गरीबी बढ़ रही है, इतना बढ़ रही है, लोग तंग आ गए, लोग परेशान हैं, और दूसरी तरफ नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, नौजवान परेशान है, पढ़ लिख के एमए करके, बीए करके, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके वो परेशान होके फिर रहा है। लेकिन मोदी जी को इसकी फिक्र नहीं, इसको एक ही फिक्र है, सत्ता में कैसे आके फिर बैठना। हमको फिक्र है देश को बचाने का, देश के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की फिक्र मोदी और शाह को नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना यही बात करते हैं, और खासकर गरीबों को जो आज रिजर्वेशन मिला उसको खत्म करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं।